पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थापित सरकारी संस्थानों सहित प्रखंड मुख्यालय के स्थित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित सरुवत सहित अन्य सुदूरवर्ती गांवों में भी शान से लहराया गया तिरंगा। वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर सभी संस्थानों में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सादगीपूर्ण तरीके से झंडोत्तोलन किया गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सर्वप्रथम स्थानीय प्रखंड कार्यालय में प्रखंड प्रमुख जूली तिर्की ने तिरंगा फहराया एवं तिरंगे को सलामी दी। इसी तरह राजकीय मध्य विद्यालय के प्रांगण में प्रधानाध्यापक अजय कुमार मिंज, उच्च विद्यालय के प्रांगण में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक दिवाकर प्रसाद, पुलिस ओपी परिसर में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट अश्विनी कुमार, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक परिसर में रोकड़िया विशाल कुमार, जीएसएलपीएस के प्रखंड कार्यालय सेंटर पर बीपीएम विधु शेखर झा, स्वास्थ्य उपकेंद्र परिसर में डॉक्टर बबलू कुमार, पशु चिकित्सा केंद्र परिसर में डॉक्टर उमेश कुमार, ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रबंधन के अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद, मध्य विद्यालय टेहरी में प्रधानाध्यापक प्रश्नचित खाखा, पंचायत सचिवालय बड़गढ़ में मुखिया बालदेव टोप्पो, परसवार पंचायत सचिवालय में मुखिया ललिता बाखला, टेहरी पंचायत सचिवालय में मुखिया प्रभा कुजूर, मदगड़ी चम पंचायत सचिवालय में मुखिया तरशिला बाखला के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम में स्कूली बच्चे भाग नहीं ले सके। प्रखंड के सरकारी एवं निजी संस्थानों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर झंडोत्तोलन के अलावा किसी तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए।